वो पूछ रहे हैं रुमाली रोटी का मजहब क्या है, वो पूछ रहे हैं पनीर टिक्का का धर्म, वो पूछ रहे हैं दाल मखानी किस धर्म की है। इतना ही नहीं, वो डिलीवरी बॉय की जात धर्म भी पूछेंगे। देश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत किस तरह बढ़ रही है, उसकी बड़ी खबर फूड सप्लाई करने वाली कंपनी जोमेटो से आई है, जहां एक शख्स ने डिलीवरी बॉय के मुस्लिम होने की वजह से उससे खाना लेने से इनकार कर दिया। पंडित अमित शुक्ला नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि जब उसे पता चला कि सावन के महीने उसका खाना लेने आने वाला डिलीवरी बॉय मुस्लिम है, तो उसने कंपनी से डिलीवरी बॉय बदलने को कहा, लेकिन जोमेटो ने इससे इनकार कर दिया। जोमेटो के इनकार के बाद अमित शुक्ला ने अपना रिफंड देने को कहा, लेकिन कंपनी ने रिफंड देने से इनकार कर दिया। पंडित अमित के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे जमकर घेरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले अमित शुक्ला ने जोमेटो से बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया और कहा कि वो अपने वकील से इस मसले पर बात करेंगे। गैर हिंदू डिलीवरी बॉय को लेकर जोमेटो से चैट के बाद अमित शुक्ला ने ट्विटर पर लिखा, अभी जोमेटो पर एक ऑर्डर कैंसिल किया, उन्होंने एक गैर हिंदू राइडर यानी डिलीवरी बॉय को खाने की डिलीवरी के लिए भेजा, इस पर उन्होंने राइडर बदलने से मना कर दिया और रिफंड देने के लिए भी मना कर दिया। इस पर जोमेटो की तरफ से ट्वीट किया गया, खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद एक धर्म है। साथ ही जोमेटो कंपनी के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने भी जवाबी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ऐसे अगर बिजनेस का नुकसान होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भारत के विचारों और हमारे ग्राहक पार्टनरों की विविधता पर गर्व करते हैं, हमारे इन मूल्यों की वजह से अगर बिजनेस को किसी तरह का नुकसान होता है तो हमें इसके लिए दुख नहीं होगा। जोमेटो के ट्वीट की रिप्लाई की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस मसले पर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, आदर, मुझे आपके ऐप से प्यार है, शुक्रिया मुझे आपकी कंपनी को पसंद करने के पीछे एक कारण देने के लिए। इस बीच बीजेपी नेता शाइना एनसी ने भी खाने के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की कड़ी निंदा की है, लेकिन वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी ने मुसलमान डिलीवरी बॉय से खाना नहीं लेने को सही ठहराया है। कई ऐसे मुसलमान हैं जो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं, कई ऐसे वो होते हैं, लेकिन अब एक हिंदू है जो मांसाहारी खाते बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्या है ना कि एक दिमाग में बिल्कुल क्लियर कहीं ना कहीं रहता है कि जो मुस्लिम है तो अगर मुसलमान है तो निश्चित रूप से वो मांस खाता होगा, निश्चित रूप से बीफ खाता होगा, तो इस भावना से उन्होंने किया होगा, अब उनका हो जाने, लेकिन इसी अधिकतर ये रहता है कि, लेकिन हमें कहना चाहेंगे धर्म नहीं, जीव जो मांस खा रहा है उसका वो करना चाहिए, उस विशेष व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके हाथ का ना खाए। पूरे वाक्य में अमित शुक्ला सोशल मीडिया पर ट्रोल तो हो गए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मुसलमान के हाथ से आया खाना धर्म भ्रष्ट कर देगा या धर्म देखकर किसी की भूख मर जाएगी, इसका जवाब आप पर छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।